हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पोजिशनल सेटअप के बारे में बात करेंगे जिसको आप निफ्टी 50 और स्टॉक्स दोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं और जो चार्ट है उसको हम यहाँ पर हैकेनेसिक कर देंगे, क्योंकि अभी आप इसमें नॉर्मल कैंडलस्टिक देख सकते हो तो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ हैकेनेसी में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको इसके अंदर एक क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। हम आगे जानेंगे कि इसमें आपको अपनी एंट्री कहाँ पर बनानी है और कहाँ पर आपको अपनी एंट्री अवॉइड करनी है, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप इस चार्ट के अंदर देखो तो करीब इस लेवल से आपको इस स्टॉक के अंदर एक लोअर लो देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से आपको मार्केट के अंदर एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को भी मिल जाएंगी। तो जब यहाँ पर ये हायर हाई फॉर्मेशन बनेगा और जब यहाँ पर ये स्विंग बनेंगे तब आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। बट इस स्विंग के अंदर एक्सिट आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी उसके लिए हम यहाँ पर दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर दो EMA लगा देंगे जिसमें से पहला EMA 20 EMA है, इसके लेंथ आपको यहाँ पर 20 कर देनी है एंड इसका जो कलर है वो यहाँ पर ब्लू है, और जो दूसरा EMA है वो यहाँ पर 50 EMA है एंड इसका जो कलर है वो यहाँ पर रेड है। तो करीब इस लेवल के आसपास से मार्केट के अंदर आपको एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल गई थी। जब भी मार्केट के अंदर ये 20 और 50 का क्रॉसओवर होगा तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर आप इस लेवल पर देखो तो यहाँ पर इसका क्रॉसओवर हो चुका है। जब भी यहाँ पर यह क्रॉसओवर हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर कैंडल है वो इन दोनों EMA के पास होनी चाहिए एंड यहाँ पर भी क्रॉसओवर हुआ है बट जो कैंडल है वो इन दोनों EMA से बहुत ही दूर है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। तो करीब इस कैंडल में आपकी एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इन दोनों EMA के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। एंड टारगेट की अगर बात करें तो मान लो कि आपका यहाँ पर जो SL है वो 5 रुपये का है, तो इसमें जो आपका टारगेट होगा वो यहाँ पर 10 रुपये का हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पर 1:2 के ऊपर का रहने वाला है। एंड आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर ये दोनों EMA बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप अपनी एंट्री इस लेवल पर बना सकते थे। मैं यहाँ पर ड्राइंग को हटा देता हूँ। तो करीब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी एंड जो ये EMA है उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है और जो आपका टारगेट होगा वो यहाँ पर 1:2 का हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर 3 वेव बन जाएगी। यहाँ पर ये पहली वेव है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो हम यहाँ पर ही अपनी एंट्री बनाएंगे। जब यहाँ पर ये चौथी वेव बनेगी तो हमें वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो ट्रेड होगा वो यहाँ पर बहुत ही हाई रिस्क वाला हो जाएगा। और बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर सेलिंग के अंदर भी करना है। इस लेवल के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ है, तो करीब ये कैंडल पर आपकी एंट्री होगी और जो EMA है उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। और सेलिंग के अंदर जो आपका टारगेट है वो यहाँ पर 1:1.5 का रहने वाला है। यहाँ पर फिर से आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा, तो करीब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, EMA के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड आप यहाँ देखें तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी आपको 3 वेव का फॉर्मूला याद रखना है। जब यहाँ पर ये चौथी वेव बनेगी तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम के अंदर मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाय चांस लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम के अंदर जाकर स्टॉक हेटअप ऑफिशियल नाम सर्च कर सकते हो एंड वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।